हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक यूट्यूब वर्ल्ड। दोस्तों, मैं हूं दीपक, आपका दोस्त, और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस एक्सेल में फॉर्मूलेज को कैसे हाइड किया जाता है। ओके दोस्तों, मेरे से काफी लोगों ने पूछा था कि हम एक्सेल में फॉर्मूलेज को कैसे हाइड करते हैं ताकि कोई दूसरा पर्सन हमारे फॉर्मूले को ना देख सके, कॉपी ना कर सके। ओके दोस्तों, तो डोंट वेरी, बहुत आसान है, बहुत सिंपल ट्रिक है। ओके, बड़ी आसानी से हम इनको हाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। एक बार आप देखिए, जो येलो कलर से पोर्शन हाईलाइट है ना, यहाँ पे फॉर्मूलेस लगे हुए हैं। ओके, हमारे पास ये तीन सब्जेक्ट हैं और यहाँ पे मैंने इनका स्टेटस निकाला है, टोटल मार्क्स हैं और एवरेज है। ओके, तो यहाँ पे किसी भी सेल पे आप क्लिक करोगे, ऊपर आपको फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, कोई भी फॉर्मूला आपको दिखाई नहीं देने वाला, और ना ही आप इन पे डबल क्लिक करके एडिट कर सकते। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा रखी है हमने, कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, बट फॉर्मूला काम करता रहेगा, दिखाई नहीं देगा बट काम करता रहेगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखो 98 है, टोटल 198। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मार्क्स चेंज कर दिए, मैंने यहाँ पे 33 कर दिया। ओके, जैसे ही बाहर क्लिक किया तो यहाँ पे फेल आ गया है, और यहाँ पे जो है टोटल अपने आप चेंज हो गया है, एवरेज अपने आप चेंज हो गई है। फॉर्मूला दिखाई देगा नहीं, काम करेगा प्रॉपरली। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम फॉर्मूलेज को हाइड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको सीट में कहीं भी क्लिक कर लेना है। ओके, क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल ए। इससे क्या होगा, कंप्लीट सीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, आप ऐसा ना करके आप यहां पे क्लिक करके भी कंप्लीट सीट सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सिलेक्ट करने के बाद कहीं भी सीट में राइट क्लिक करना है और एक नीचे ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट सेल, इस पे क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद यहां पे फॉर्मेट सेल की एक विंडो ओपन होगी, इसमें आपको जाना है सबसे लास्ट वाले टैब पे, प्रोटेक्शन टैब पे। ओके, प्रोटेक्शन टैब पे आपको जाना है, और यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है लॉक्ड, दूसरा है हिडन। अभी आप देखोगे जो पहला ऑप्शन है लॉक्ड, वहां पे चेकबॉक्स पे टिक लगा हुआ है, आपको ये टिक हटाना है अभी यहां से। ओके, तो यहां से टिक हटाया और इसको ओके कर दिया। ये तो था पहला स्टेप। ओके, अब सेकेंड स्टेप पे हमें ये करना है कि जिन फॉर्मूलेज को हाइड कराना है उनको सिलेक्ट करना है। ओके, तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, ये फॉर्मूलेज हमारे यहां पे लगे हुए हैं, मान लीजिए मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर ली और मुझे ये रेंज सिलेक्ट करनी है। ओके, तो ये कर ली आपने रेंज सिलेक्ट, कंट्रोल दबाए रखें तो आप यहां से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो, और कहीं होते मान लीजिए यहां भी होते तो कंट्रोल दबाए रखो तो आप इस तरह से अलग अलग रेंज से डेटा सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, मैंने बता दिया है कैसे करोगे, बाकी मैं इन सभी पे जो है फॉर्मूले जो लगे हुए हैं उनको हाइड कर लेता हूं। चलो, एक और तरीका मैं आपको बता दूं कि सीट के अंदर जितने भी फॉर्मूले लगे हुए हैं आप सभी को एक ही बार में कैसे सिलेक्ट करोगे। ओके, तो आपको जाना है होम मेन्यू के अंदर, होम टैब के अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहां से आपको सिलेक्ट करना है गो टू स्पेशल। क्लिक करने के बाद यहां पे जो एक गो टू स्पेशल का पॉपअप आएगा, इसमें से सिलेक्ट करना है फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। ओके, और उसके बाद बस आपने ओके करना है। ओके करते ही देखो सारे फॉर्मूले आपके जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। ओके, तो सिलेक्ट होने के बाद किसी भी एक फॉर्मूले पे राइट क्लिक करना है जो सिलेक्ट कर रखा आपने। ओके, अभी ये सारा सिलेक्ट है तो कहीं भी क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक करना है, फिर से फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आपको मिलेगा नीचे, इस पे क्लिक करना है, और इस बार आपको यहां पे इन दोनों ऑप्शन पे टिक लगाना है, लॉक्ड पे भी और हिडन पे भी। ओके, तो दोनों पे हमने लगा दिया टिक, ओके कर दिया। अभी इनसे कुछ नहीं होने वाला, अभी आप क्लिक करोगे आपको सारे फॉर्मूले ऊपर दिखाई देंगे। ओके, अभी कुछ नहीं होने वाला, ये तब काम करेगा जब अपनी सीट को आप प्रोटेक्ट करोगे। उसके लिए हमें जाना है रिव्यू टैब में, और प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन यहां पे मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, और यहां से आपको सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल, इन दोनों को टिक लगा के रखना है। ओके, सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल, और कोई भी पासवर्ड आप यहां पे एंटर कर दीजिए, 123। ओके करेंगे, 123 ओके कर दिया,
तो हमारा काम हो गया। अब आप इस रेंज के अंदर कहीं भी क्लिक करो, ऊपर आपको कोई फॉर्मूला दिखाई नहीं देने वाला, ये देखो। ओके, ये देखो, कहीं भी क्लिक करो कोई भी फॉर्मूला आपको यहां दिखाई नहीं देगा, और ना आप यहां पे डबल क्लिक कर सकते, ये देखिए, क्योंकि यहां पे प्रोटेक्शन लगी हुई है। ओके दोस्तों, अगर ये पासवर्ड लगा के आप भूल जाते हो तो कैसे हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब अनप्रोटेक्ट करेंगे बिना पासवर्ड जाने, तो ये वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूं। इसका लिंक मैंने दिया है इस वीडियो के नीचे, आप वहां से इसको देख सकते हो। ओके दोस्तों, तो अगर इन फॉर्मूलेज को आप फिर से वापस शो करवाना चाहते हो तो शीट को अनप्रोटेक्ट करना होगा। ओके, उसके लिए आपको जाना होगा फिर से यहां पे रिव्यू टैब पे, प्रोटेक्ट शीट की जगह आपको मिलेगा अनप्रोटेक्ट शीट, क्लिक कर देना है, पासवर्ड आपको डाल देना है जो आपने एंटर किया था। ओके करोगे तो अभी आप क्लिक करोगे, फॉर्मूले आपको शो हो जाएंगे, आप इनमें कोई चेंज आराम से कर सकते हो। दोस्तों, इस तरह से हम बड़ी आसानी से एक्सेल में फॉर्मूलेज को हाइड कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो मुझे लिखिए आप कमेंट्स में, मैं जल्दी से जल्दी आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तो उसके लिए आपको करना होगा चैनल सब्सक्राइब, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप मिल सके अगले वीडियो में और आप तक हमारी लेटेस्ट अपडेट पहुंच पाए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।